वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर अमेजिंग। सो यार अभी हम लोग का चल रहा है 100 डिसीज का वाइवा। अभी हम लोग का मॉर्निंग में हम लोग प्रोजेक्ट का वाइवा देके आए हैं, हम लोग का सारा प्रोजेक्ट दिखाए हैं। सो यार आज वाइवा देने के बाद फिर मैं घर चला जाऊंगा, फिर घर से ही वाइवा और जितने एग्जाम होने वाले हैं ऑनलाइन वो सारे देंगे। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन वाइवा हो रहा है, ज्यादा खुशी मिल रही है। अगर ऑफलाइन हो रहा होता तो भाई हालत खराब हो जाती, क्योंकि मेरे से 100 डिसीज में कुछ भी नहीं बोला जाता बिल्कुल। तो आप लोगों को चलो पीछे से दिखाते हैं। सो क्या अभी वाइवा कैसे चल रहा है हम लोग का, और बोला गया था फॉर्मल लुक में, देख सकते हो मैंने ऊपर शर्ट पहनी है और नीचे हाफ पैंट पहन के फॉर्मल लुक में पूरा है। सही बोल रहे ना। ओके, सो सिमरन मैम ये हम लोग का वाइवा ले रही है और यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ अपना इशू लिख रहे हैं। Not every person, but every maybe second person in Bollywood using drugs ये, right now. भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या? टॉपिक नहीं पता मुझे। भाई को टॉपिक नहीं पता। देख सकते हो मेरे टेबल का हाल क्या हो रखा है अभी, कुछ समझ में नहीं। तौलिया लिया, हेडफोन, पानी अभी ठंडा लेकर रखा, गुलगुल सब यही मेरा पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी सब किए तो मैंने ये अपना आईडी कार्ड पहन लिया था तो जल्दी से, क्योंकि मैम को सही लगा कि भाई फॉर्मल में आया है बंदा, क्या पता कुछ बोल ना पाए, ऐसे तीन चार नंबर दे दे मेरे को। जाना है देख लो, ये मैंने सामान थोड़ा पैक कर लिया है, अलमारी में कुछ और सामान के रख देंगे और फॉर्मल पहन लिए, आईडी कार्ड लगा लिए, क्योंकि मैम भाई जानते मैं तो शॉर्ट स्क्रीन में बोलना नहीं चाहता और मैम भी थोड़ा सा दिखने में सही लग रहा हूँ, तो अगर दिखने में अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना यार ठीक ठाक लग रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैम नंबर दो तीन एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि बोल तो पाना है नहीं मेरे को। सो चलो देखते हैं अभी हम, मेरा नंबर आने वाला है अभी, अभी पहले ग्रुप पे चल रहा है, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे। पता नहीं क्या टॉपिक, रैंडम टॉपिक देंगी उस पर हम लोग को तुरंत बोलना है, और रैंडम जैसे जानते हो तेरे भाई से होती नहीं कुछ। भाई सिमरन मैम बड़ी खतरनाक है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लग रही है, तो बिल्कुल इस टाइम हालत बिल्कुल मेरे टाइट है, पता नहीं कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे क्या मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा नर्वस फील हो रहा है मेरे को। ऑनलाइन में दे रहे हैं तब भी नर्वस फील हो रहा है। कंचन निवास में लिखे बच्चों को यूज मोबाइल फोन, बच्चे मोबाइल से देख देख कर बोल रहे हैं जो भी है। I would like to put forward the point that 99% ये हमारे क्लास के कुछ होनहार बच्चे हैं जो खतरनाक जीडी देते हैं, ग्रुप डिस्कशन हम लोगों का वैसे बेसिकली हो रहा है। वैसे रूम देख सकते हो हमारा थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप हम लोगों ने कर रखा है, ये फैन चला के बैठे हैं गर्मी में भी, क्योंकि बाहर हम लोग इधर बाहर कूलर लगा हुआ है लेकिन हम लोग घर में बैठे हैं आराम से, क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब ना हो कुछ ना हो। सो यार मैम ने पता नहीं इन लोगों को क्या टॉपिक दिया था, रैंडम टॉपिक दिया था। यहाँ पे आकाश बैठा हुआ है, आकाश क्या टॉपिक दिया था मैम ने इन लोगों को? बॉलीवुड, ड्रग एंड बॉलीवुड। ओके, ये साला खुद गांजा फूकता है और ड्रग एंड बॉलीवुड, इसको इसको मिलना चाहिए, इसको इस बंदे को। ये रहे गौरव वर्मा जी, ये हमारे बिरादरी के हैं, बिल्कुल ग्रीस दे रहे हैं सिमरन मैम, गौरव वर्मा, अरमोल गजरानी। भाई ओ भाई कैसे हो, इतना सीरियस क्यों? ये रही हमारी शॉर्ट स्किल्स वाली मैम, हम लोग ने इंस्टाग्राम पे इनके साथ पोस्ट शेयर किया है, अगर आप लोग भी अगर आप लोग ने इनको इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ क्लिक करके जाकर मेरी पोस्ट उसको थोड़ा लाइक कर दो, फॉलो वॉलो कर लो, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग को लाइक कर देना। ये रहा ईशान पांडे भाई, काफी बॉलीवुड सही ठीक ठाक बोल रहा है बढ़िया, और मैम काफी सीरियस होकर सुन रही है, ना कोई हंसने का एक्सप्रेशन तक नहीं दे रही मैम, इससे देख के और नर्वस और डर लग रहा है। और अब तमता भाई आए, ये पूरा गांजा के बारे में बता रहे हैं, गांजा से क्या नुकसान होता है क्या नहीं होता है, गांजा गांजा मेरे को प्यार है। वैसे टॉपिक ज्यादा टॉपिक बहुत सही है, ड्रग्स और बॉलीवुड का बहुत ज्यादा कनेक्शन है इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से भी। सो देखे ना सुशांत सिंह राजपूत में भी कितने, जब उनकी डेथ हुई थी तो कितने लोग ड्रग्स केस में भी फंसे थे, और भाई आए दिन कोई ना कोई ड्रग्स केस में फंसता ही रहता है। सो यार इंडिया की कंडीशन काफी बेकार है यार इन सबको लेके, क्या करते हैं। सो अभी दिखाते हैं यार बगल रूम में यशपाल और वागेश बैठा हुआ है, सो उन लोग वो दोनों भी मेरे साइज में ही है, उन लोग का भी वाइवा चल रहा है सॉन्ग स्किल्स का। सो पीछे ये पता नहीं, चलो दिखाते हैं यार, सॉरी भाई ये लोग अंदर से दरवाजा बंद करके रखे हुए हैं, उस साइड से जाना पड़ेगा। आईडी आ गई, सो मेरी आई आईडी आ गई, यहाँ पे मुझे रेज हैंड करना पड़ेगा, मैंने रेज हैंड कर दिया है। सो अब मेरा माइक और ये कैमरा ऑन होगा, सो देखते हैं टॉपिक क्या मिलता है रैंडमली। सो इस टाइम हालत बिल्कुल टाइट होके क्या ही बताएं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या हालत है इस टाइम। जी सर पानी पी लेते हैं। देखो ये आ गया है, सर गाइज मेरा वाइवा चल रहा है, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने माइक ऑफ नहीं किया, मैं सोयर गाइज बोलने लगा था, तो मैम बोली क्या बोल रहा है। सर गाइज मेरा वाइवा अच्छा गया, सो ठीक है ना, मैम ने कुछ नहीं बोला, सो मैंने मैम थैंक यू बोल दिया, फिर हम लोग मैम ने खुद ग्रुप से लीव कर दिया, सबको रिमूव कर दिया, और अभी यशपाल का ही वाइवा हो गया, वो भी मेरे ग्रुप में था, सो हम सबका अच्छा वाइवा गया, और अभी वागेश का वाइवा चल रहा है, और मेरे पीजी में रहता है अभिषेक, उसका ही वाइवा चल रहा है।
सो अभी तो उसका नंबर नहीं आया था, वो मोबाइल चला रहा है और वागेश को देखते हैं वागेश कर क्या रहा है, तो तुम जल्दी से देखते हो कर क्या रहा है। मतलब अभी इससे पहले मैं गया था तो दरवाज़ा उससे बंद कर रखा था, लेकिन इसने दरवाज़ा खुला था, मौका अच्छा देखने के लिए क्या नर्वस बैठा है कैसा बैठा है, मजा आई। सो देख सकते हो गाइस पूरा रूम का क्या हाल हो रखा है, और ये अपना यहाँ पे यशपाल दे रहा था वाइवा उसका कम्प्लीट हो गया, और ये बैठा है वागेश। सो इस टाइम वागेश पूरा फॉर्मल में बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, और लैपटॉप पे वाइवा चल रहा है, देखते हैं। अभी इसका नंबर नहीं आया, अभी शायद नीतीश, हाँ अभी नीतीश का वाइवा चल रहा है, अब इसके बाद इसके आने वाले। सो अभी यार वाइवा देखे काफ़ी थक गए हैं, आकाश भी वाइवा देख, तो क्या था यहाँ पे हम लोग के सारे बेड लगे हुए थे, सो हम लोग ने यहाँ पे अपने सारे एक साथ बेड लगा दिए, और वो हाल क्या हो रखा है रूम का, अभी सब वाइवा देखे रेस्ट कर रहे हैं, वागेश यहाँ दे रहा है, और मेरा अभिषेक, और अभिषेक का भी वाइवा चलने वाला, अभी इसका नंबर नहीं आया है। Till my shadow turns to sun rays and on we'll go Through the wastelands, through the highways and on वेट कर रहा है, उसका नंबर नहीं आया क्योंकि जान उसके सबसे लास्ट ग्रुप पर चला गया है कि इसका सबसे देर से आया, उतनी देर में पबजी का एक गेम निपटा दिया था। तो भाई चलो दो तुम और हम ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना बेस्ट ऑफ लक क्या मेरे सामने को दे। तो वागेश उसका वाइवा चल रहा है, तो यार गाइस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दो है, मेरे बर्थडे से पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, अभी 1000 होने में मेरे 30-40 सब्सक्राइबर बाकी हैं। सो यार अपने दोस्तों से बोल दो, उनसे बोल दो कि उनके 3 दोस्त कर दें ऐसा चेन, पहले हम लोग टाइगर जिंदा मूवी में देख चुके हैं, सॉरी जय हो मूवी में। चलो यार एंड करते हैं अपने ब्लॉग को, तो टाटा बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे भी हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ कोटा घर पे, तो अभी मेरा भाई का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अभी लोग अभी कानपुर नहीं जा रहे, कोटा ही में जाऊँगा, मम्मी वहीं है, तो इसके बाद से आपको कोटा के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। और मैंने अभी लास्ट डे तक कॉलेज का ब्लॉग बनाया था, हम लोगों का सेमेस्टर खत्म हो गया है, तो सेमेस्टर हम लोग का 4th सेमेस्टर खत्म हो गया, 5th सेमेस्टर हम लोग का अगस्त से स्टार्ट होगा, तो पहले मैं ये वाला ब्लॉग डाल रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपना कॉलेज का लास्ट डे वाला ब्लॉग डालूंगा। तो बाय बाय टाटा टेक केयर।